नमस्कार दोस्तों, कोई नया चीज शुरू करने से पहले हम हमेशा दूसरों की ओर देखते हैं। दोस्तों, परिवार या यहाँ तक कि अजनबियों से सलाह मांगना स्वाभाविक है, खासकर तब जबकि हम किसी चीज के बारे में अनिश्चित हों। जबकि दूसरों की बातें सुनने से मदद मिल सकता है, खुद पर भरोसा रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सलाह लेने और जो हम मानते हैं उसके प्रति सच्चे रहने के बीच संतुलन बनाए रखने से ही बेहतर जीवन मिल सकता है। अभी के संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव था जिसमें नसरुद्दीन नाम का एक व्यक्ति था। उसने मछली बेचने के लिए एक दुकान खोला। उस दुकान में लोगों को आकर्षित करने के लिए उसने एक बोर्ड लटकाया। उस बोर्ड पर लिखा था, फ्रेश फिश सोल्ड हियर। ठीक है, वह ग्राहकों के लिए थोड़ा देर इंतजार किया और कुछ समय बाद एक व्यक्ति आया। उसने कहा, फ्रेश, तुम्हारा मतलब क्या है फ्रेश से? और सभी क्या बासी मछलियां बेचते हैं? तो फिर नसरुद्दीन ने उन्हें धन्यवाद दिया और फ्रेश को बोर्ड से मिटा दिया। अभी बोर्ड पर लिखा था, फिश सोल्ड हियर। कुछ समय बाद एक और आदमी आया और उसने कहा, हियर, हमें देख के पता चलता है कि इधर मछली बेचते हैं इधर, तो फिर हियर लिखने का मतलब क्या है? फिर नसरुद्दीन ने उन्हें भी धन्यवाद दिया और हियर को बोर्ड से मिटा दिया। और अभी लिखा था बोर्ड पर कि फिश सोल्ड। कुछ समय बाद उस गांव का एक शिक्षक आया और उसने कहा, सोल्ड, तुम इधर मछली रखे हो तो उसका मतलब बेचने के लिए रखे हो ना, तो फिर दान करने के लिए थोड़ी ना रखे हो। तो फिर नसरुद्दीन ने उन्हें भी धन्यवाद दिया और सोल्ड को मिटा दिया बोर्ड से। फिर अभी बोर्ड पर लिखा था फिश। कुछ समय बाद उस गांव का सबसे ज्ञानी इंसान आया और उसने कहा, फिश, मुझे आधा माइल दूर से ही मछली का बदबू आ रहा है और तुम बोल रहे हो फिश, तो फिर फिश मत लिखो, इसको भी मिटा दो, हमें पता चल रहा है कि इधर फिश बेचते हैं। तो फिर नसरुद्दीन ने उनको भी धन्यवाद दिया और फिश को मिटा दिया। कुछ समय तक वो इंतजार करते रहा ग्राहकों को, पर बहुत कम ग्राहक आ रहे थे उधर। तो फिर कुछ समय बाद उसकी पत्नी वहां आई और बोली, यही तुम्हारा तरीका है लोगों को बुलाने के लिए? कहाँ है वो बोर्ड जिसमें लिखा था फ्रेश फिश सोल्ड हियर? तो फिर नसरुद्दीन ने उन्हें सारे कहानी सुने, कहा, सबका सलाह सुनो पर बाद में वही करो जो तुम्हारे दिल कहे। ठीक है, फिर नसरुद्दीन थोड़े समय तक सोचता रहा। फिर उसने वो बोर्ड में फिर से लिखा कि फ्रेश फिश सोल्ड हियर। अब वो खुशी खुशी अपने दुकान में मछली बेचने लगा। इसी कहानी से हमने देखा, अंत में नसरुद्दीन को पता चलता है कि भले ही अन्य लोग सुझाव दे सकते हैं, लेकिन अपने दिल की बात मानना ही सबसे महत्वपूर्ण है। वो ताजी मछली बेचने के अपने मूल विचार पर लौटता है और इसके साथ ही उसे सफलता और खुशी मिलती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद पर विश्वास रखना बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही वो लक्ष्य कितना भी सरल क्यों ना हो। धन्यवाद।